अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ज़ुबैदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही के कबाब, जिसके लिए हमने ये हंकर लिया है। हमने दही जमाया था घर में और उसको रात भर के लिए एक मलमल के कपड़े में टांग दिया था। ये हमारा टंगा हुआ सूखा सा दही है, एकदम ड्राई है देखिए। और ये हमने 200 ग्राम पनीर लिया है और 200 ग्राम ही दही है। और हमने एक प्याज, हरा धनिया एक पेड़ सोया मेथी और एक छोटा सा टमाटर, इन सभी चीज़ों को और 4-5 हरी मिर्च, इनको दरदरा सा हमने चॉप कर लिया है, चॉपर में कूट लिया है। और ये 2 आलू हैं, इसको हमने बॉईल किया था और इसको हमने मैशर से मैश करके रख दिया है। और इसमें ब्रेड क्रम्स है, ये भी हमने बनाया है, अभी ये जाएगा। एग है, अंडा एक, लहसुन अदरक 1 टीस्पून, और ये रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर है ये 3 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। और ये हमारे मसाले हैं, सॉल्ट है, ये हमारे गरम मसाले, और ये कुटी हुई भुनी हुई धनिया है, और ये जीरा है भुना हुआ पिसा हुआ। सबसे पहले हमने ये बाउल ले लिया है, इसमें आलू डाल देंगे। हंकर है, इसको भी डाल देंगे। दही है टंगा हुआ और ये पनीर है, इसको भी डाल देंगे। और हमारी ये हरे धनिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, ये सब कुटा हुआ है, ये भी डाल देंगे। सोया मेथी ताज़ी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी डाल देंगे। रेड चिली पाउडर, एक कॉर्नफ्लोर है, आप लोग अरारोट भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, इसको भी डाल देंगे। सॉल्ट है, ये भी 1 टीस्पून डाल देंगे। अभी चक के देखेंगे, कम होगा तो और डाल देंगे। कुटी हुई धनिया है 1 टीस्पून, इसको भी डालेंगे। और भुना पिसा हुआ जीरा है, ये सभी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अरे देखिए, हमने सारे मसालों को मिक्स करके रख लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे कबाब बना के, सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद में ब्रेड क्रम्स में डाल के इसको रखते जाएंगे। और ये हमने सारे कटलेट को, कबाब को रेडी कर लिया है, अंडे और ब्रेड क्रम्स में डिप करके। इधर हमने पैन चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन किया और उसमें ऑयल डाल देंगे, बस थोड़ा सा डालना है, चलो फ्राई करना है इसको। ऑयल गर्म होने देंगे, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कबाब को डाल देंगे, हाँ
और इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसको हम पलट लेंगे। टिक्किया हमारी हो गई है, अब इनको हम पलट लेंगे। और ये हमारी कबाब दोनों तरफ से गोल्डन हो गए हैं। अब इनको हम एक एक करके टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। अच्छा, रमजान में आप एक दिन पहले इसको बना के फ्रीज में भी रख सकते हैं। सभी टिक्कियों को हमने निकाल लिया है, और दूसरी बारी भी हमने डाल दी है। इसको भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, हमने सारे कबाब को रेडी कर लिया है। अब बीच में ये हरे धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और नमक पीस के रखा है। आप चाहे ऐसे ही खाएं या फिर एक ग्लास मेयोनीज है, इसको भी मिक्स कर लें। इसके साथ भी खा सकते हैं हम लोग। टमाटर की चटनी हमने रखी नहीं है, बनाया है, आप लोगों ने देखी है। ये देखिए, ये हमारे दही के कबाब रेडी हैं। ये देखिए, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।